मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित, कहा सभी को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कोरोना महामारी से लड़ने की आवश्यकता। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, कहा इससे उपचाराधीन रोगियों को मिलेगी राहत। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आरंभ, आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर किया जा रहा है पंजीकरण। और करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन करवाई जाएगी उपलब्ध। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और चिकित्सा ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए टैंकरों की व्यवस्था और सिलेंडरों की कमी को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था, हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन, 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं चाहे वो बाई एयर जाएंगे तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है और प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों और विपक्षी दलों से कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इस महामारी का सामना करने की आवश्यकता है। आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया 18 वर्ष से ऊपर का, 28 तारीख है ना, 28 से 30 तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। 30 तारीख को हमारा अनुमान ये लग जाएगा कि किस गति से लोग अपने आप आके रजिस्टर करा रहे हैं, खास करके 18 से लेकर 45 तक। हमने प्राइवेट को जितना लेना है वो तो अलग से अपने हिसाब से लेंगे, सरकारी तौर पर 40 लाख और 10 लाख 50 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर हमने दे दिया है। ये लगभग 250 करोड़ रुपये का एक ऑर्डर है, ये चला गया है और इसकी उपलब्धता हो जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन 1 लाख तो हमारा पहले से कैपेसिटी है, रजिस्ट्रेशन कितना होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाएंगे। 1 से अगर 1.5 लाख जाना होगा, 2 लाख प्रतिदिन जाना होगा तो हम जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा 162 एमटी से बढ़ाकर 232 एमटी कर दिया है। इससे मरीजों को राहत मिलेगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अस्थायी तौर पर अस्पताल स्थापित किए जाएं जिससे रोगियों के इलाज में कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करने के प्रयास किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी सजगता और तत्परता के साथ कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जुटी हुई है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई सावधानियां बरतने और टीकाकरण करवाने का आग्रह किया। केंद्र सरकार के कि उन्होंने हमारी मांग पर हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा 162 एमटी से बढ़ाकर 232 एमटी कर दिया। हम शीघ्र उसको हरियाणा में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा
तो हमारा प्रयास है कि हम उसको एयरलिफ्ट करके हरियाणा में ला सकें ताकि हरियाणा के लोगों को उससे जल्दी राहत मिल सके। कि हर ज़िले को डायल 112 की 20-20 गाड़ियां दे दी जाएं ताकि वहां पर वो एम्बुलेंस का काम कर सकें। हमारे पास डायल 112 की काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वो बेड कैपेसिटी बढ़ाएं अपने अपने ज़िले में, अतिरिक्त व्यवस्था करें, किसी बैंक्वेट हॉल में करें, किसी स्कूल में करें, किसी धर्मशाला में करें, किसी होटल में करें, और उसके लिए हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है। मैंने IMA से भी अपील की है कि वो भी कुछ डॉक्टर्स पेयर करें, और जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं या MBBS के सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हमने लगभग 1400 के करीब हैं, उनकी भी हमने सभी जिलों में ड्यूटियां लगा दी हैं। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए आज से कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1 मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें ज़रूरी जानकारियों के अलावा एक फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधा के अनुसार तय करनी होगी। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दिया है। कोविड-19 संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके एक नई पहल की है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से निजात पाने के लिए प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए हैं और भविष्य में इसकी क्षमता 100 सिलेंडर तक कर दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि गाड़ी में सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी भी तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों को भी इस ऑक्सीजन वाहन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। लिया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके वैन शुरू की है और इसमें हमने अभी के लिए 50 सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखे हैं। आगे इसकी बढ़ा के इसकी संख्या 100 कर देंगे। आज हमें लगभग 200 नए सिलेंडर्स अवेलेबल हुए हैं, तो उनमें अभी ऑक्सीजन की फिलिंग जारी है, तो ये बढ़ा के 100 उस वैन में रख देंगे। तो काफ़ी सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई बार उनकी डिस्ट्रेस कॉल आती है कि हमारे पास इमीडिएटली 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 की बची है, तो हम थ्रेशोल्ड 2 आवर्स का रख लेंगे कि जिसकी भी 2 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है वो इस वैन को कॉल करें और जितनी रिक्वायर्ड सिलेंडर्स हैं जिनसे उनका 3-4 घंटे का काम चल सकता है वो उससे उतरवा लें और खाली सिलेंडर्स लोड कर दें। जो टोटल 16 हॉस्पिटल हैं जो हमारे यहाँ कोविड का इलाज कर रही है उन सब के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसका नंबर हम सारे 16 हॉस्पिटल्स को दे देंगे आज से ही, और वो आज रात से ही इसको ये 24 आवर्स वैन अवेलेबल होगी, इसको कॉल करके मंगवा सकते हैं। वैन के साथ एक हमने पुलिस पर्सनल भी जोड़ा है ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो। आमतौर पे करनाल की जो सप्लाई है लगभग 8,000 kg तो हमें कल्पना चावला में चाहिए होती है और 5,000 kg जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। हरियाणा में अब तक 396 मंडी खरीद केंद्रों पर लगभग 80 लाख टन गेहूं की आमद हुई, जिसमें से लगभग 75 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 4,77,623 किसानों के 8,39,451 जे फार्म बनाए जा चुके हैं, जिसमें से अब तक लगभग 7,562 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के बैंक खातों में की जा चुकी है।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई ना आए। इसके अतिरिक्त मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। किसानों के हित में सरकार द्वारा बनाई नई नीति के तहत गेहूं भुगतान राशि अब सीधे किसानों के बैंक खातों में आ रही है। पानीपत के किसानों ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मंडियों में उनकी फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई और धनराशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया। उन्होंने कहा कि सीधा किसानों को भुगतान मिलने से आढ़तियों की भूमिका खत्म हो गई है। किसानों ने कहा कि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई और फसल का उठान भी समय पर हुआ। गया एमएसपी रेट पर क्यों खरीद गया और सही अच्छी तरह से सारा भुगतान पेमेंट हमारी बैंक में सही अच्छी तरह से आ गई है। हमने कोई दिक्कत नहीं हुई, सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद है जी। ना कोई परेशानी नहीं, कोई वादा नहीं, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक हुआ जी। बहुत बढ़िया बिक गया, सरकारी रेट पर बिक गया जी, खाते में पैसे आ गए हमारे, बहुत बढ़िया पैसे आ गए, धन्यवाद जी सरकार, बहुत अच्छी सरकार है जी। मेरी एमएसपी पे गेहूँ की खरीद हुई है और मेरा पैसा आ चुका है, वैसे तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हमारी बहुत बढ़िया है, इसका धन्यवाद करते हैं। हमारी गेहूँ 1975 रुपये रेट खरीदी गई है, इस बैंक में सही पैसे आ चुके हैं, सरकार से धन्यवाद है। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से ज़्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 29,78,709 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,293 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.12% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 84,129 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,59,699 हो गई है। रिकवरी रेट 80.33% और मृत्यु दर अब 0.88% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 37,02,098 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में लोगों द्वारा वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों की विशेष टीम बनाई गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह में 2 दिन मेगा कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए गाँव से शहर न आना पड़े। 2 दिन सोमवार और मंगलवार को विशेष मेगा कैंप लगाने के लिए निर्देश दिए हैं और उनके तहत हम गांव हर गांव गांव तक पहुंचने का प्रयास करें और जिले के लगभग 1,00,000 जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको टीका लगाने के लिए। महेंद्रगढ़ जिले के युवाओं ने कहा कि सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को 1 मई से कोविड-19 वैक्सीनेशन देने का फैसला एक सराहनीय कदम है। उन्होंने अन्य लोगों से टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील की। 1 तारीख से जो 18 साल से उम्र के ऊपर के जो युवाओं को वैक्सीन लगनी है, सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। इसमें युवाओं का भी योगदान होना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए यह वैक्सीन बहुत प्रभावी है। 1 मई से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आदेश दिए हैं कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसको लेकर लोगों को भी जागरूकता दिखानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएँ ताकि कोरोना से जंग जीती जा सके। 1 मई से 18 साल अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और इसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना है और सभी को वैक्सीन लगवानी है। इस योजना में भाग ले और टीका लगवाएं, साथ ही इस महामारी से बचने के लिए उचित दूरी बनाकर रखें। और कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास जारी हैं। आमजन को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 1 मई से आरंभ होने वाले 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा है। सिरसा के युवाओं ने बताया कि वे कोविड संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वे 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और दूसरे युवा साथियों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। हम लोग बहुत समय से चाह रहे थे कि हम जितने भी 18 से 45 के बीच आते हैं,
उनको वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है, पर सरकार पहले दे नहीं रही थी। अब 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसमें बड़ा लाभ मिलेगा हम सब जितने भी इस एज ग्रुप में हैं। हम लोग अपने और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है जी। पहले जो 45 ईयर्स से स्टार्टिंग थी वैक्सीन की, अब वो 18 साल से जो अब हैं उससे स्टार्टिंग है। बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, तो ये हर पर्सन को लगानी चाहिए। इससे जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा सुधार आएगा। बहुत बढ़िया बात है जी। 18 साल से और 45 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन लगेगी, हम चाहते थे, युवा के अंदर बहुत जोश है और हम इस चाहते हैं कि भी कोरोना की महामारी से हम सारा देश हमारा सुरक्षित रहे, और इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित, कहा सभी को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कोरोना महामारी से लड़ने की आवश्यकता। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, कहा इससे उपचाराधीन रोगियों को मिलेगी राहत। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आरंभ, आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर किया जा रहा है पंजीकरण। और करनाल जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन करवाई जाएगी उपलब्ध। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।